माय नेम इज रेणुका रावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं ब्लाउज हॉल लेकर आई हूँ फ्रॉम मीशो। मैंने मीशो से ब्लाउजेस मंगाए हैं जो वन बाय वन मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा ये मीशो ब्लाउज हॉल पसंद आएगा। और मीशो में ना आपको बहुत सारी वेरायटी मिल जाएगी, बहुत सारी रेडीमेड ब्लाउजेस की, फिर वो स्लीव कट में हो या फुल स्लीव में हो, वेलवेट में हो या कॉटन में हो या पार्टी वेयर हो, जो थ्रेड वर्क वाले ब्लाउज होते हैं उसमें भी। तो मतलब बहुत सारी वैरायटी, जो जैसे कंफर्टेबल है अपने अकॉर्डिंग ले सकता है। बहुत सारी वैरायटी है रेडीमेड ब्लाउज की और ये ना मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है कि आप लोग रेडीमेड ब्लाउज ले लो। हमारे वहां पे तो स्टिचिंग चार्जेस भी बहुत ज्यादा है ब्लाउज के, आई थिंक 500 या 550 जो है लाइनिंग वाले ब्लाउजेस के चार्जेस हैं और प्लेन ब्लाउज, ठीक है ना। और कुछ नेक में फ्रंट या बैक में कुछ डिजाइन डाल दो तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो हमारे वहां तो स्टिचिंग चार्जेस बहुत ज्यादा है, तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है कि साड़ी के मैचिंग का रेडीमेड ब्लाउज लेना। और मीशो में बहुत सारी वैरायटी, 300-400 के तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लाउज मीशो में मिल जाते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी। और पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो ब्लाउज है वो ये है, पिंक कलर में है, रानी कलर में। बहुत प्यारा ब्लाउज है, पूरा प्लेन है, कोई वर्क नहीं है और इस तरीके से स्लिप कट है। थोड़ा सा जो इसके स्ट्रैप है पतले हैं, अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप लोग ले सकते हैं। और फ्रंट से आपको ऐसे राउंड नेक मिल जाएगा, ठीक है, प्लेन राउंड नेक। और ये जो है ये प्रिंस कट वाला ब्लाउज है, आपको सामने से आप लोग देख सकते हैं प्रिंस कट में है ये, और पैडेड है, ठीक है। ऑनलाइन जितने भी ब्लाउज होते हैं ऑलमोस्ट सारे पैडेड वाले ही होते हैं, विदाउट पैडेड बहुत कम होते हैं। और ये रहा इसका बैक साइड, बैक साइड से जो है हमें हुक्स मिल जाएंगे, बैक साइड से हुक्स हैं। और बैक का जो नेक है वो थोड़ा सा डीप है इसका, थोड़ा सा नहीं मतलब है ही ठीक ठाक सा डीप है, तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो आप लोग ले सकते हैं। और रही बात स्लीव्स की, तो अगर आप लोग को स्लीव कट पसंद नहीं है तो अंदर से आपको अलग से स्लीव्स मिल जाएंगे, बाजू दी हुई है। तो ज्यादा बड़ा साइज तो नहीं है, आई थिंक यहाँ यहां तक होगा, इतना साइज इसका रहेगा, ज्यादा बड़े नहीं है। तो ये दिया हुआ है और मार्जिन भी अच्छा खासा हमें मिल जाता है अंदर से। अगर आप लोग को ब्लाउज टाइट हो रहा है तो आप लोग खुलवा सकते हैं इसको, ठीक है, अच्छा खासा मार्जिन मिला हुआ है। तो ये है, बहुत प्यारा है, प्लेन ब्लाउज है और इसमें कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं। तो मैंने पिंक लिया क्योंकि मेरी मोस्टली साड़ी में ये चल जाएगा इसलिए। और क्या है ना, जैसे अगर आप लोग कोई हैवी साड़ी पहन रहे हैं तो उसके साथ भी अगर आप लोग प्लेन ब्लाउज लें तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, अगर हैवी साड़ी के साथ प्लेन ब्लाउज कैरी करें। तो मैंने पिंक कलर चूज किया है और इसका जितना भी प्राइस होगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, मुझे याद नहीं है तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि मुझे ये कितने का पड़ा। और ये मुझे हल्का सा लूज हो रहा है, बहुत हल्का सा लूज हो रहा है, इस वाले एरिया से हल्का सा लूज हो रहा है। और इसमें जो मैंने साइज है 36 समथिंग ये मंगाया था, वैसे तो मेरा 34 साइज है बट मैंने हल्का सा लूज एक साइज बड़ा ही मंगाया सब में। तो ये रहा, अगर आप लूज है तो आप इसको फिटिंग करवा लीजिए और अगर टाइट है तो अंदर से खोलने के लिए मार्जिन बहुत सारा है, बहुत स्पेस है, तो आप लोग आराम से इसको लूज भी करा सकते हैं। तो ये रहा फर्स्ट ब्लाउज, ठीक है, बहुत प्यारा लगा मुझे ये वाला और ये बहुत सारी साड़ियों के साथ जाने वाला है मेरा। तो ये तो था मेरा फर्स्ट ब्लाउज, अब चलते हैं सेकंड ब्लाउज की तरफ। सेकंड ब्लाउज जो है वो ये रहा, ये सिल्क टाइप का जो ब्रोकेट वाला फैब्रिक होता है ना उसपे है। और फ्रंट से आपको इस तरीके से इसका बोल्ट नेक मिल जाएगा, ये वाला जो नेक होता है बोल्ट नेक, उस पैटर्न में ये मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग को डीप नेक पसंद नहीं है, जैसे इससे पहले वाला जो ब्लाउज था वो थोड़ा सा डीप नेक का था, तो अगर डीप नेक पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से बोल्ट नेक में भी ले सकते हैं। और अगेन इसमें सेम प्रिंस कट में हमें मिल जाएगा, प्रिंस कट ब्लाउज है। तो ये रहा, ये भी स्लीव कट है और इसके साथ भी बाजू हैं, मैंने अभी बाजू अलग कर दी है इसके, तो इसके साथ भी आपको स्लीव्स मिल जाएंगे तो आप लोग अटैच करवा सकते हैं। और अगेन ये भी पैडेड ब्लाउज है, ठीक है, ऑनलाइन सारे हमें ऑलमोस्ट जो है पैडेड ब्लाउज ही मिलते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो विदाउट पैडेड होते हैं, वरना अगर आप जितने भी हैवी ब्लाउज या वर्क वाले ब्लाउज लोगे आपको सारे पैडेड ब्लाउज ही मिलेंगे। और ये रहा इसका बैक साइड, ठीक है, बैक से भी नेक डीप नहीं है, नॉर्मल है और यहाँ पे मिल जाएगा ये बटन इस तरीके से। तो ये है इसका बैक साइड का डिजाइन और ये नीचे यहाँ पे हुक्स हैं, ये गैप आएगा बैक पे और ऊपर से इस तरीके से बटन के साथ आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो ये रहा इसका बैक साइड का नेक, ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। अगर आप गर्ल्स हैं, ठीक है, और आप लोगों ने कोई स्कर्ट वगैरह वेयर करनी है तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से एज अ क्रॉप टॉप की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और साड़ियों के साथ तो खैर सुंदर लगता ही लगता है। तो इस पे जो है मैंने रेड कलर मंगाया है, इसमें भी कलर ऑप्शंस हैं और इसका भी प्राइस जो है मैं यहाँ पे स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी,
तो आप लोग देख सकते हैं। बहुत ज्यादा बेसिक सा है और कंफर्टेबल है, मतलब कि ऐसे चुपने वाला नहीं है। थोड़ा कढ़ाई कुड़ी वाले जो होते हैं ना वो चुपते हैं, तो ये चुपने वाला बिल्कुल भी नहीं। तो ये वाला जो ब्लाउज है कॉटन की साड़ियों के साथ भी बहुत अच्छे से जाएगा। अगर आप लोग कोई प्लेन कॉटन की या सिल्क कॉटन मिक्स टाइप की जो साड़ियां होती है उनके साथ भी आप लोग स्टाइल कर सकते हैं इस ब्लाउज को। अगर थोड़ा सा पार्टी लुक भी अगर आप लोगों ने देना है तो आप लोग कॉटन की साड़ी के साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगने वाला है। और अगर गर्ल्स हैं तो आप लोग स्कर्ट के साथ इसको कैरी कर लीजिए एज अ क्रॉप टॉप। तो ये रहा मेरा सेकेंड ब्लाउज, ये रहा थर्ड ब्लाउज। ठीक है, इसका जो कलर है टमाटरी रेड टाइप का कलर है, जिस कलर का टमाटर होता है उस कलर का ये रेड कलर है। और इसमें आपको पूरा वर्क मिल जाएगा, थ्रेड वर्क मिल जाएगा, सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा। ठीक है, ये है। और सामने से इस तरीके से आपको इसका वी नेक टाइप में कुछ मिल जाएगा पैटर्न। और इसके जो स्लीव्स हैं ये थोड़ा चौड़े हैं, तो आई थिंक मतलब ये कंफर्टेबल है पहनने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रेप जो है इसके मोटे हैं। इससे पहले जो मैंने पिंक वाला दिखाया था उसके थोड़ा सा पतले स्ट्रेप्स हैं, तो वो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता उसमें, पर इसके जो स्ट्रेप्स हैं ओके हैं, बहुत ज्यादा पतले नहीं है, मीडियम है। ठीक है, और ये रहा, और ये भी अगेन पैडेड ब्लाउज है, इसमें भी आपको यहाँ पे पैडेड मिल जाएगा। और ये रहा इसका बैक साइड का नेक, डोरी दी हुई है पीछे से बांधने के लिए। ठीक है, कहाँ दी, ये देखिए ये डोरी दी हुई है बांधने के लिए। और इसका बैक नेक जो है वो भी ज्यादा डीप नहीं है, नॉर्मल नेक है, आई थिंक 8 इंच 8.5 इंच ये होगा, ज्यादा डीप नहीं है नेक, तो ये इजीली आप लोग वेयर कर सकते हैं। और बैक साइड से यहाँ पे हमें हुक्स मिल जाते हैं, सारे जो ब्लाउजेस हैं बैक साइड से ही हुक्स वाले हैं। और आई थिंक ऑनलाइन जो रेडीमेड हम ब्लाउजेस लेते हैं सारे बैक साइड से ही हुक्स वाले होते हैं मोस्टली, जो इस टाइप के होते हैं पार्टी वेयर ब्लाउजेस जो होते हैं ना वो बैक साइड से हुक वाले होते हैं, क्योंकि फ्रंट में जो है इसमें वर्क होता है तो इसलिए बैक से ही हुक्स डाले जाते हैं। तो ये रहा थर्ड ब्लाउज, और इसके साथ भी आपको स्लीव्स मिल जाएंगे, तो अगर आप लोग चाहें तो अटैच करवा सकते हैं, वरना ये ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसको भी आप अपनी किसी प्लेन साड़ी के साथ स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज में ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम है, तो मुझे नहीं लगता है इसके साथ कोई हैवी चमक थमक साड़ी पहनने की जरूरत है। अगर इसके साथ कोई सिंपल सी भी साड़ी आप पहनोगे तो बहुत सुंदर लगेगी, बस कोशिश करना कि रेड कलर ना ले, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में कलर डाले तो वो ज्यादा अच्छा निखर के आएगा इसके साथ। इसका जो वर्क है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब कि ऐसा चुपने वाला नहीं है, जो कढ़ाई आप लोग देख रहे हैं या ये सीक्वेंस का जो वर्क है ये चुभेगा नहीं, चुभने वाला बिल्कुल भी नहीं, हाथ लगा के फील हो जाता है ना तो ये नहीं चुभेगा, तो आप लोग कंफर्टेबली इजीली इसको वेयर कर सकते हैं। और ये किसी लहंगे वहंगे के साथ भी हम लोग स्टाइल कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है ना कि हमारे पास लहंगे तो रहते हैं लेकिन ब्लाउजेस जो है वो टाइट हो जाते हैं, तो उसमें भी अच्छा ऑप्शन है कि अगर समर वगैरह में कोई शादी है तो आप लोग स्लीपर ब्लाउज ले सकते हैं लहंगे के साथ के लिए। तो ये है मेरा थर्ड ब्लाउज, और मैंने अभी सिर्फ वही ब्लाउज मंगाई है जिनकी मुझे नीड है, जरूरत है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ब्लाउजेस मैंने नहीं मंगाए। तो जिनकी मुझे अभी लग रहा था कि हाँ यार इस साड़ी के साथ भी मुझे ब्लाउज चाहिए या ऐसा कुछ ब्लाउज चाहिए जो मेरा 2-3 साड़ियों के साथ चल जाए, तो मैंने अभी वही ब्लाउज ऑर्डर करी है। और अब मैं आप लोग के साथ करने वाली हूँ लास्ट ब्लाउज, और ये ना मेरा सबसे फेवरेट ब्लाउज है। तो मतलब कि मैंने जब इसको देखा ना फर्स्ट टाइम तो बस भाई साहब नैन वाला ये तो मुझे चाहिए चाहिए। और तो चलिए मैं पहले दिखाती हूँ आपको, फिर और बातें करते हैं। ये वाला ब्लाउज ये देखिए, ये सच में बहुत प्यारा ब्लाउज है, बहुत ज्यादा, मतलब इसको देख के ना मेरा दिल खुश हो गया था। तो सामने से खैर हो ही गया था, जब मैंने ऑनलाइन देखा था मुझे तब भी ये ब्लाउज बहुत प्यारा लगा था। तो ये है ब्लाउज मेहरून कलर में, और ये वेलवेट में है। ठीक है, अब जैसे विंटर्स आने वाले हैं तो वेलवेट के ब्लाउज भी बहुत चलते हैं, तो मैंने भी इसलिए ये मेहरून कलर में बाय किया। तो ये रहा इसका नेक, वी नेक टाइप में हमें मिलेगा, और नीचे को जो इसका ये पैटर्न है ये सब्यसाची ब्लाउज का पैटर्न है, जो ये वाला जो कट दिया हुआ है ना ये सब्यसाची ब्लाउज का पैटर्न है। तो ये रहा वेलवेट में, और यहाँ पे आपको छोटे छोटे से सीक्वेंस मिल जाएंगे, सिंगल सिंगल सीक्वेंस दिए हैं। ठीक है, ये रहा, और ये है इसका ब्लाउज सॉरी बाजू। ठीक है, ये स्लीव्स हैं इसके, यहाँ पे भी आपको सीक्वेंस वर्क मिल जाएंगे इस तरीके से, और नीचे यहाँ पे पाइपिंग दी है गोल्डन कलर की। तो ये रहे ब्लाउज के बाजू, और बैक साइड से ये रहा इसका नेक। ठीक है, इस तरीके से डोरी मिल जाएगी हमें, और डोरी में लटकन भी अच्छे वाले दिए हुए, थोड़ा सा फैंसी से लटकन दिए। तो ये रही इसकी डोरी, और ये रहा इसका बैक साइड का राउंड नेक, और पीछे से हुक्स वाला है। ठीक है, ये हुक्स वाला दिया हुआ है पीछे से, देखिए ऐसे हुक्स वाला है,
तो ये रहा और पैडेड ब्लाउज है और ये ब्लाउज मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। इसका जो प्राइस है 300 समथिंग है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। इसमें जो साइज है ना मुझे 34 भी नहीं मिला, 36 भी नहीं मिला और मुझे 38 मिल रहा था, ठीक है। और मैंने दो तीन जगह जाके चेक करा, जैसे अलग अलग सेलर्स होते हैं तो सबके उसमें मैंने जाके चेक करा तो कहीं पे भी 34 और 36 साइज मुझे नहीं मिल रहा था, 38 ही मिला। तो फिर मैंने लास्ट में सोचा कि चलो 38 ही ऑर्डर कर लेते, मुझे देखना था ये ब्लाउज कैसा है और मुझे इतना ज्यादा ये पसंद आ गया था कि मैं फिर रोक नहीं पाई अपने आपको, तो मैंने 38 साइज ही ऑर्डर कर दिया था। और ये ना लूज नहीं है, मतलब कि सॉरी बहुत ज्यादा लूज नहीं है, 38 के अकॉर्डिंग हल्का सा आधे इंच जितना लूज है मुझे ये बस। और अगर आप लोग भी इसको बाय करना चाहते हैं तो अपने साइज से एक साइज बड़ा ही ऑर्डर करिएगा, तो वो आई थिंक आप लोग के लिए सही रहेगा। तो ये है वेलवेट का, और वेलवेट का जो इसका फैब्रिक है ये भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और ये ब्लाउज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब जैसे कि विंटर्स स्टार्ट होने वाले हैं तो वेलवेट के ब्लाउज बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहते हैं और वेलवेट तो चल ही रहा है ट्रेंड में, तो हम लोग इसको स्टाइल कर सकते हैं वेलवेट के ब्लाउज को। और मुझे ना कलर भी यही पसंद आया, पता नहीं क्या चक्कर है, और भी बहुत सारे कलर थे, ब्लू कलर था, ब्लैक कलर था, पिंक कलर नहीं, पिंक नहीं था, ब्लू, ब्लैक, ऐसे ग्रीन, ऐसे कलर थे, पर मुझे ना ये मेहरून कलर ही पसंद आया। मैंने बोला भाई साहब चाहिए तो यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी देखा था, उन्होंने भी बाय किया था, तो मैंने वहां से रिव्यू भी चेक कर लिए थे कि कैसा है कैसा नहीं, तो सबके अच्छे रिव्यू थे तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। और ये बहुत सोना है यार, बहुत ज्यादा प्यारा ब्लाउज है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राइस के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा, 300 समथिंग का इसका प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग तो एकदम बेस्ट ब्लाउज है, तो आप लोग इसको जरूर बाय करिएगा। तो ये था मेरा लास्ट ब्लाउज आज के हॉल का। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ब्लाउज पसंद आते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन चारों ब्लाउजेस के कोड डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा मीशो ऐप में जाके। और ये जो मेहरून वाला मैंने लास्ट दिखाया ना, ये करवा चौथ के लिए एकदम बेस्ट ब्लाउज है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको करवा चौथ में। तो ये थे मेरा आज का ब्लाउज का हॉल, मीशो ब्लाउज हॉल। उम्मीद करती हूँ आप लोग को हॉल पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अब न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।